विराट कोहली ने आईपीएल 2024 के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 59 गेंदों में 83 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे थे। कोहली की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने कोलकाता के खिलाफ 20 ओवरों में 182 रनों का टोटल बोर्ड पर लगाया था 6 विकेट गंवाकर, लेकिन फिर भी टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। सच्चाई तो ये रही कि कोहली के अलावा किसी ने भी बेंगलुरु के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अब इसी बीच पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी इस बात को उजागर किया है कि किसी भी खिलाड़ी ने कोहली का साथ नहीं दिया। अगर कोई खिलाड़ी कोहली का साथ निभा देता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी कोहली का साथ देता तो वो 83 की जगह 120 रन बना सकते थे। बता दें कि कोहली ओपनिंग पर उतरे थे और अंत तक नाबाद रहे, लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे और कोई भी बैटर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। पोस्ट ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए दिग्गज गावस्कर ने कहा, आप मुझे बताइए कोहली अकेले कितना कर लेंगे, किसी को उनका साथ देना चाहिए था। अगर आज उनका कोई साथ देता तो वो जरूर 83 की बजाय 120 रन बनाते। यह टीम स्पोर्ट्स है, कोई सिंगल इंसान वाला खेल नहीं, उन्हें आज कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन इसी बीच अब कई सारे लोग सोशल मीडिया पर विराट की पारी को धीमी बता रहे हैं और उन्हें आरसीबी की हार का जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। अब गेंदबाजों पे कोई सवाल नहीं, लेकिन विराट की पारी पर इतने सारे सवाल खड़े होने लगे, यानी ये वैसी ही बात है जैसे आप सच सुनने को और मानने को तैयार नहीं है। मेरा एकमात्र सवाल है, अगर विराट की पारी ना होती तो आरसीबी का टोटल स्कोर कहां तक पहुंच पाता, जब बाकी बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकल ही नहीं रहे थे। क्या विराट की गलती ये थी कि उन्होंने टीम की जिम्मेदारी और गेम की सिचुएशन को समझा और आखिर तक खेलते रहे? अगर मान ही लेते हैं कि विराट कोहली भी तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते तो नैरेटिव बदल जाता। फिर सोशल मीडिया पर यही लोग जो आज विराट की धीमी स्ट्राइक रेट पर बात कर रहे हैं, वो फिर विराट को रन ना बनाने के लिए टारगेट करते रहते और फिर कहते कि विराट की T20 टीम में जगह नहीं बन रही है क्योंकि रन नहीं आ रहे। और अब जब विराट कोहली के बल्ले से रन निकल रहे हैं, अच्छी गति से निकल रहे हैं, तो यही एक नैरेटिव जो पिछले काफी महीनों से चली आ रही है उनकी स्ट्राइक रेट पर, उसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और फिर वो विराट की स्ट्राइक रेट की वजह से उन्हें T20 टीम का हिस्सा नहीं बनाने के लिए राजी हैं। सोशल मीडिया पर वैसे ये सारी बातें चल रही हैं। टीम इंडिया के लिए भी विराट कोहली खेलेंगे तो वहां भी उनका रोल क्लियर ही होना है। आपको शुरू से ही तेज गति से रन बनाना है या आपके इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाज खेलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तेज तर्रार गति से रन बना रहे थे तो उनको ये कॉन्फिडेंस था कि इनके बाद विराट कोहली हैं जिनके इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाज खेल सकते हैं और विराट का रोल सिंपल और क्लियर है कि वो आखिर 50 ओवर तक खेलेंगे। यही काम विराट कोहली T20 में भी कर सकते हैं और हमें पता है विराट कोहली एक्सेलरेशन बदलने के लिए जाने जाते हैं। वो आपके लिए मैचेस भी जिता सकते हैं, वो आपको तेज तर्रार पारी खेल के भी दे सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग गेम को बिना समझे बस विराट की स्ट्राइक रेट के पीछे लगे पड़े हैं। अब कमेंट्स में आप ही बताइए, क्या सच में विराट की स्ट्राइक रेट कोई समस्या है या इसे बस कुछ लोग अपने हिसाब से सोशल मीडिया पर समस्या बता रहे हैं? इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स और आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।